सो हाँ जी फैमिली, कैसे आप सब? आप लोगों के लिए आज आपका भाई बहुत ज्यादा प्यारी, बहुत ज्यादा डिमांडिंग चीज लेकर आया है। 3 BHK फ्रंट साइड कार पार्किंग के साथ, लिफ्ट के साथ, इतनी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। प्लस एक बार आप फ्लैट का साइज देखोगे तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है वीडियो में। आइए मेरे किसी तरह की चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम अपने हॉल की तरफ। अगर 3 BHK की हॉल की बात करें, इतना बड़े साइज का हॉल देखने को मिल जाता है। एल टाइप का सोफा यहाँ आपका इजीली लग जाएगा। हॉल में भी वेंटिलेशन के लिए आपको शाफ्ट दे रखी है। स्प्लिट एसी का प्रोविजन होने वाला है। आपके पीछे की अगर हॉल की बात करूं तो प्रॉपर फ्रेम का काम हो रखा है। मूवर्स का काम यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपका फ्रेमिंग का काम हो रखा है, मिरर वर्क देखने को मिल जाएगा। टीवी पैनल की अगर मैं बात करूं तो इतने बड़े साइज का टीवी पैनल यहाँ देखने को मिलता है। और सिर्फ टीवी पैनल नहीं, काफी लोगों की डिमांड होती है भैया घर में एक मंदिर होना चाहिए। तो हाँ जी, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा बड़े साइज का अच्छा सा मंदिर ला के दे दिया है यहाँ पे। अगर टीवी पैनल के नीचे की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 कैबिनेट्स आपको स्टोरेज के लिए दे दिए गए हैं, जो आपको स्टोरेज ही कहीं कोई इश्यू नहीं होगी। यहाँ पर बात करें तो शोकेस एरिया आपको लगाकर दिया गया प्रोफाइल लाइट के साथ। आपको हर एक चीज काफी ज्यादा प्यारी और क्लासी देखने को मिल जाएगी। चलते अपनी और चीजों की तरफ। आइए चलते पहले अपनी मेन चीज की तरफ। अगर मैं अपनी मेन चीज की बात करता हूँ, 3 BHK में एल टाइप की छोड़ो, आपको यहाँ पे यू टाइप की स्पेशियस किचन देखने को मिल जाएगी। यू टाइप की स्पेशियस किचन बात करें अगर यहाँ की, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे कैबिनेट देखने को मिल जाएंगे मिरर वर्क और माइका वर्क के साथ। प्रोफाइल लाइट के साथ काम करता है। नीचे की कैबिनेट्स की बात करूँ तो अब मैं यहाँ पे नीचे भी हाइड्रोलिक लगा हुआ है। प्लस आपका यहाँ अगर खोल दिया तो ऊपर भी अपना सारा का सारा हाइड्रोलिक का काम होता है। सैनिटरी और चिमनी मेरी तरफ से होगी हर बार की तरह। बात करो अगर यहाँ की, ये क्या चीज है, यहाँ आ जाएगी अपनी चिमनी और आपको वेंटिलेशन के लिए एक बड़े साइज की विंडो दे रखी है। किचन अपनी फ्रंट साइज की होने वाली है। किचन में छोटा मोटा काम नहीं करा गया। यहाँ पर आपको भोजन बास्केट देखने को मिल जाती है, आप लोगों के लिए सब्जियों के लिए और अपनी और चीजों की स्टोरेज के लिए। अब ये क्या चीज है, यहाँ मैंने आपको छोटा सा शटर लगा के दे दिया गया है, जो आपकी किचन की लुक को और ज्यादा इनहेंस करेगा और काफी प्यारा लुक देने वाली है आपकी किचन। चीजें सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ आ जाता है अपने बड़े साइज का फ्रिज का सेपरेट स्पेस। काफी अच्छे साइज का फ्रिज का सेपरेट स्पेस देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर और चीजों की, तो पूरा का पूरा यहाँ टाइलेबल देखने को मिल जाता है रूम लेवल तक का। आपको एक पार्टीशन लगाकर दे दिया गया है, यहाँ पर आपको शोकेस एरिया भी बनाकर दिया है। अगली चीज की तरफ अगर आते हैं, सबकी नीड होती है कि भैया एक यहाँ पर अपना एक कॉमन वॉशरूम बनाकर दिया गया है। रूम लेवल तक का टाइटल देखने को मिल जाता है। सारी चीजें सेपरेट देखने को मिलेंगी आपको। यहाँ पर भी सारी चीजें फिटिंग होकर मिलेगी मेरी तरफ से। चलते हैं अपनी पहले बेडरूम की तरफ। यहाँ बात की जाए पहले बेडरूम में, अगर मैं बात करता हूँ तो इतना खुला बड़ा स्पेस, सबकी डिमांड होती है बड़े बड़े कमरे चाहिए। तो हाँ जी, काफी बड़े बड़े कमरे यहाँ पर आपको मैंने लगा कर दे दिए हैं। बात करते हैं अगर पीछे की वॉल की, तो पूरा का पूरा वुडन का काम देखने को मिल जाता है लूवर्स के साथ। और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़े साइज की विंडो दी गई है। विंडो में आपका विंडो एसी लगने वाला है। बात करते हैं अगर यहाँ की अलमीरा की, अलमीरा की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो रूम लेवल तक की बड़े साइज की अलमीरा यहाँ पे दे दी गई है। और सिर्फ अलमीरा नहीं है यहाँ पे, आप अपना ड्रेसअप भी यहीं पर कर सकते हो। आपको एक अच्छा सा आईना भी यहाँ पर लगा के दे दिया है, जहाँ पर आप बढ़िया से खड़े होकर तैयार हो सकते हो। बात करें अगर यहाँ की बैल्कनी की, तो कंफर्टेबल बैल्कनी की, तो इतनी स्पेशियस बैल्कनी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इतनी बड़े साइज की लंबी सी बैल्कनी आपको यहाँ देखने को मिलती है। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग के साथ देखने को मिल जाती है। बात करें तो ऊपर की, तो सिलेंडर स्लाइड के साथ अपना काम हो जाता है। बात करें अगर यहाँ की वॉशिंग एरिया की, तो एक सेपरेट वॉशिंग एरिया यहाँ पर बना कर दिया गया है। टैप्स का प्रोविजन हो रखा है, अपना शॉवर्स का प्रोविजन, जहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन इजिली लगा सकते हो, अपने इजिली धो सकते हो। अपने एसी के आउटर से यहीं पर आ रहे हैं। रूफ लेवल तक अपना पूरा पेंटिंग का काम होता है। एसी पे शीट्स का काम है ऊपर रूफ पे भी और बाहर फ्रंट एलिवेशन पे। अपना दूसरा मास्टर बेडरूम, ये रूम अपना बहुत ही ज्यादा प्यारा और क्लासी होने वाला है। ये रूम दसने भी मुझे अच्छा लग रहा है।
यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल लॉक देखने को मिल जाता है, वुडन लॉक देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अगर छोटी मोटी चीजें हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत बड़े साइज की रूफ लेवल तक की वॉटर बनाकर देखी गई है। पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बाहर माइकल कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा प्यारा होने वाला है। रूम की अगर फॉल सीलिंग की बात करें, फॉल सीलिंग अपनी बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है। बात करते हैं अगली चीज की तरफ, यानी कि अपना बहुत बड़ा स्पेशियस प्यारा था टीवी पैनल। अगर बात करते हैं तो दो तीन कलर के माइका के साथ इसका काम होता है, प्रोफाइल लाइट का, प्रोफाइल लाइट का काम होता है। नीचे आपको स्टोरेज के लिए तीन कैबिनेट यहाँ बनाकर दे दिए गए हैं। आपका टीवी एरिया बहुत ज्यादा प्यारा होने वाला है। ये रूम आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है। मास्टर बेडरूम के साथ इसमें बहुत सारी फैसिलिटी जैसे ही बता दी है। अब बात करते हैं वॉशरूम की, तो वॉशरूम बड़े साइज का होने वाला है, काफी अच्छा साइज होने वाला है। रूफ लेवल तक का टाइल वर्क देखने को मिल जाता है, वहीं पर आपको अपना एग्जॉस्ट का प्रोविजन देखने को मिल जाता है, गीजर का प्रोविजन, शावर का, स्वीट का, टैप का, सारी चीजें सेपरेट होने वाली है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ, ये आ जाता है अपना तीसरा बेडरूम। ये बेडरूम आपका काफी अच्छे साइज का होने वाला है, यहाँ पर भी आपका बेड इजीली लग जाएगा बड़े साइज का, और काफी सारा स्पेस यहाँ पर भी आपको बचता हुआ दिखेगा। पीछे की वॉल पे पूरा का पूरा यूनिवर्सल आप देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अगर रूम में वेंटिलेशन की, तो आपको शाफ्ट के थ्रू एक बड़ी विंडो दे रखी है वेंटिलेशन के लिए। बात करते हैं इस रूम में भी आपको एक बड़ी सी अलमीरा बनाकर दे दी है। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि आपको स्टोरेज का या फिर साइज का कोई इशू नहीं होगा, मजा बहुत आने वाला है। तीनों रूम में स्टोरेज के लिए मैंने आपको अलमारी दे दी गई है, कोई इशू नहीं होगा। इस रूम में आपका स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी होने वाला है। सो कमेंट करके बताओ आप लोग ये फ्लैट कैसा लगा और ये फ्लैट का साइज क्या है। बाकी फैसिलिटीज की बात करते हैं तो मेट्रो के सबसे ज्यादा पास यही आपको देखने को मिल जाएगा। द्वारका मोड की लोकेशन में चीजें होने वाली है, BSAC मीटर, IGL, पानी, सारी की सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन बचे, दिन नंबर से कॉल करो, ऑफिस आउट डील फाइनल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।